हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा फर्स्ट ब्लॉग विनीत ब्लॉग्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना मस्त जगह है, तो आपको भी टाइम मिलता था जरूर आप आइए घूमने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांति रहता है, पर्यावरण तो देख रहे हैं, पेड़ पौधा एकदम झकास भरा हुआ है, एकदम धकाधक एकदम। आइए यहाँ पर एकदम पर्यावरण के एकदम हवा खाइए। एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए बच्चे लोग ने कितना मस्त बनाया फूलों से। जैसे कि आप देख रहे हैं त्रिशूल बना रखे हैं, ये देखिए। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर आइए, मेरा नया चैनल है। प्लीज़ 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 यार मेरा चैनल के सब्सक्राइब या सपोर्ट प्लीज़ करिएगा। तो आपको अगर नया वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए, एक बार आके कमेंट करके बताइएगा। सपोर्ट करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आइए ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो जैसे देख रहे हैं भाई कितना पेड़ पौधा भरा हुआ है यहाँ पर। जैसे ये देखिए मंदिर है हमारे बजरंगवाली का, माता रानी का। आइए एक बार एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कूड़ादान भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या ना बाहर से लोग आते हैं तो कचरा वचरा फैला के चले जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये काम नहीं करिए। तो अब जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी देर यहाँ पर ब्लॉग से शूट हुए, मतलब काफ़ी देर से बैठे भी यहाँ पर। तो चलो भगवान की माता रानी के गोर लग लो अपना बजरंगबली को, अब चलते हैं आगे के सीन दिखाता हूँ आपको। जैसे देख रहे हैं आप मेरा वो सामने रास्ता पड़ता है जाने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। जैसे देख रहे हैं आप कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, ये देखिए मस्त जगह है भाई जी। एक बार जब टाइम मिले तो ज़रूर आप आइए, आगे का सीन आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप, अब हम सब बाहर निकल गए मंदिर से बाहर, बहुत मस्त जगह था। आप सब ज़रूर एक बार आए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आप कहाँ, मैं आपको कॉन्टेक्ट करके बता देंगे। आप देख रहे हैं आप कितना हरा भरा खेत है, एक बार आप देख लो आप। ये मेरा दोस्त है लक्ष्मण कुमार चौधरी, इसे देख रहे हैं आप। ताकि अकेला नहीं आए दोस्त, आने से पहले मेरे पास कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये देखिए खेत में ट्रैक्टर जोत के चला गया है फसल के लिए। पेड़ पौधा बहुत है भाई साहब, जब एक बार टाइम मिले तो ज़रूर आइए। आपको मैं एड्रेस कमेंट में कर दूंगा आपको। अब बिहार घूमिए, बिहार में क्या है आपको ज़रूर पता चलेगा कि बिहार के मज़ा क्या है। आपको शहर में नहीं मिलेगा इतना हरियाली। यहाँ देखिए एकदम ठंडा ठंडा हवा बहता है, इतना धूप है भी लेकिन फिर भी क्या लक्ष्मण, ये धूप रहने के बाद भी देख रहा है कितना ठंडा मौसम है। आगे आपको आओ दिखाता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ। भाइयों देख रहे हैं, जैसे आप कब चाइना आया खेत से बाहर, इतना देख रहे जोता हुआ खेत था, अब निकल पाया हूँ। बहुत दूर से आ रहा हूँ भाई साहब, विश्वास नहीं करोगे, मैं थोड़ा वीडियो बंद किया था इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अब आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। ये देखिए हल्दी का पेड़ है, ये इसके नीचे क्या है हल्दी रहता है। अब मैं जा रहा हूँ भाई साहब ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर का सीन देखिए। अब ये मेरा रेलवे लाइन आ जाता है, रेलवे लाइन जैसे देख रहे हैं आप। अरे भाई चल, बाल बाल बच गया भाई, थोड़ा पैर में चोट लग गया, लेकिन चलो कोई नहीं, आपका ब्लॉग शूट होते रहेगा। लग लो अच्छा भाई जो पैर में चोट, ये देखिए। लेकिन रेलवे लाइन पे आने पर अगर कोई भाई वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, गाड़ी उड़ी आ रही चाहे जो भी। तब देख रहे हैं ये एक यहाँ पर एक पटरी नहीं है, ये आप गिनती कर लीजिए कितना पटरी, एक दो तीन पटरी है यहाँ पे। तो मैं उस पटरी पर जाऊँगा जिस पर ट्रेन कम आता है, जो NTPC के लिए कोयला वयला के जो काम आता है ना, तो उस पर ट्रेन क्या है सुबह और शाम बस दो ही टाइम आता है। तो आप देखिए यहाँ के रेलवे लाइन ही रेलवे लाइन है भाई साहब। भाई मेरे पास ऐसे गाइडलाइन आगे जा रहा है, जो अगर ट्रेन व्रेन आएगा तो मुझे बता देगा, या हॉर्न तो ज़रूर बता के बढ़ आएगा। देखिए मौसम भाई लेकिन बहुत मस्त है, रेलवे लाइन के पास में भी हरियाली ही हरियाली है। तो ये मुझे अच्छा लगता है अपने गांव के, कि मेरे गांव वाले ही हैं कि जैसे पेड़ पौधे हैं तो काटते नहीं है ज़्यादा,